ओ मेरे भाई, फजूल की बातें हैं ये सारी। ठीक है, आप भी बच्चे नहीं हो, आपको भी सब पता है कि सेफ साहब किस वजह से अंदर गए हैं, क्या मसले हुए हैं। ठीक है ना, नेटवर्कर जो है, जो नेटवर्कर वो तो है ही है ना। ठीक है, लेकिन सेफ साहब जो अंदर गए हैं वो मेन वजह यही थी कि जो उन्होंने कलेक्शन की, लोगों से पैसा लिया था, वो नेटवर्क मार्केटिंग जो है पाकिस्तान में लीगल नहीं है, इस वजह से उन पे चार्जेस लगे हैं। अब हम लोग रोज़ किसी चीज़ का रोना रो रहे हैं, यही रोना रो रहे हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग को रेगुलाइज करें। तो जब वो रेगुलाइज हो जाएगी तो हम लोग जो है वो सब क्लियर हो जाएगा, फिर कभी भी कोई कंपनी भी आएगी वो नेटवर्क मार्केटिंग करेगी तो उसके साथ कभी ऐसा मसला पेश नहीं आएगा। तो मेन वजह यही है मेरे भाई। ठीक है ना, तो ये फजूल की बात है कि उनको खंजर खोपा गया, ये किया गया, वो किया गया। भाई किसी ने कुछ नहीं किया, जो काम लीगल नहीं था वो इनलीगल तौर पर हो रहा था, उस पर एक्शन हो गया। और ये हकीकत है, इसको आप भी तस्लीम करें, इसको मैं भी तस्लीम करूँगा, इसको सब तस्लीम करें कि ये इनलीगल चल रहा था भाई। ठीक है, और इस वजह से ऐसा हुआ है। अब सीधी सी बात है, हम लोग ये कंपेन चला रहे हैं ना कि भाई इसको लीगल करें नेटवर्क मार्केटिंग को, तो पहले हम लोगों ने क्यों नहीं चलाई थी? हम लोगों को पहले क्यों नहीं पता था कि इनलीगल है? क्योंकि सबको जो है वो पैसे की लालच थी, सब अंधे थे, सब इसके पीछे भाग रहे थे, पैसा आएगा पैसा आएगा, सब किसी को नहीं पता था मेरे भाई। अब अवेयरनेस आई है कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होती है। ठीक है, और जब अवेयरनेस आ गई है तो हम उसके साथ खड़े, हम कहते हैं कि ठीक है लीगल लीगल करो, सेफ सब पूरा करो। रिहा तो इसलिए भी हम उनको करवाना चाहते हैं कि भाई हमारा पैसा फंसा हुआ कंपनी में, और वो ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। तो मेरे भाई ये छोटी छोटी बातें इनको समझे। आप कहते हैं ना मेरे सामने आप होते तो मैं समझाता, मेरे भाई आप मुझे ना समझाएं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत समझा हुआ हूँ, सब पता है मुझे। लेकिन क्या इंसान कभी ना कोई गलती करता है, क्योंकि इंसान खता का पुतला है। मुझसे भी गलती हुई, आपसे भी हुई, सब लोगों से हुई कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। अब इस पे ये कहना कि यार वो तो बड़ा तुरुम खान था या वो समझदार था, उसको जो है ना उसको सी गलती नहीं करनी चाहिए, तो मेरे भाई गलती इंसान कोई भी कर सकता है, क्योंकि कोई इंसान ऐसा है ही नहीं है जो गलती ना कर सके। सही है ना, बाकी आप समझ गए होंगे मेरी बात को।